इंडिया में आए दिन जिस तरीके से सिनेमेटिक यूनिवर्स बड़े हो रहे हैं, मेरा मन तो कर रहा है कि भाई साहब टोपे का नाम भी कोई सिनेमेटिक यूनिवर्स पर रख लिया जाए। लेकिन कुछ यूनिवर्स ऐसे हैं जो कतई थूक के पकोड़े, तो कुछ है आय हाय स्वाद, जैसे कि लोकेश कनगराज सिनेमेटिक यूनिवर्स। और ये मैं बता दूं सबसे बड़ा होने वाला है। लियो की स्टारकास्ट अगर आप तक नहीं सुनी है तो इस वीडियो में बता ही दूंगा। बाकी संजय दत्त ने जो बातें कही हैं वो भाई साहब आपके पिछवाड़े से कई तरीके की आवाज निकाल सकती है। सबसे पहले तो बात करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स। कमल हसन सर, वी नो वेरी वेल, फवाद फाजिल, विजय सेतुपति, विजय थलपति, सूर्या अपने कार्थी, अभी जो नई एंट्री हुई है वो है संजय दत्त की। हालांकि संजय दत्त इसमें विलन बनने वाले हैं, कोई हीरो नहीं है, बट भाई साहब लोकेश कनगराज के जो विलन होते हैं दे आर मोर पावरफुल देन हीरो। अब बात करते हैं पहली मीटिंग की थलपति विजय और संजय दत्त की। संजय दत्त का जो शेड्यूल था वो होने वाला था भाई जम्मू कश्मीर में, वो उसके लिए वहां गए और जिस तरीके से भाई उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स की मारी वो काबिले तारीफ था। उनका कहना था कि भाई साहब कश्मीर में इतनी ठंड है, मुतने के लिए लुल्ली निकालोगे लकवा लग जाएगा, गांड में से गोबर नहीं आएगा गांड का गोबर बन जाएगा। और इस तरीके की ठंड में जो 2 महीने का शेड्यूल था लोकेश कनगराज की टीम ने, वो पूरा का पूरा शेड्यूल 1.5 महीने के भीतर कर दिया। और वहां पर उन्होंने कहा अगर यही प्रोजेक्ट बॉलीवुड के पास होता तो इसमें 3-4 महीने लग जाते, क्योंकि इन लोगों के नखरे होते हैं, इवन आप छोड़ो एक्टर की बात, डायरेक्टर्स तक के नखरे होते हैं, DOP तक के नखरे होते हैं कि आई कांट हैंडल राइट नाउ क्रेन, आई कांट हैंडल कैमरा, तो शूट कैसे होगा। लेकिन जिस तरीके की डेडिकेशन दिखाई है लोकेश कनगराज की टीम ने, भाई साहब ग्रैंड सैल्यूट बनता है इन लोगों को। भाई साहब ऐसी ऐसी सिचुएशन में शूट किया कि कैमरे के ऊपर फोक बन रहे, लेकिन भाई साहब शूट करे जा रहे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, लोगों के नाक में से खून निकल जा रहा है, लेकिन तत्पर खड़े हैं अपने कार्यस्थल पर कि भाई साहब काम करके जाएंगे तो करके जाएंगे। और मैं आपको बता दूं अभी जो लुक तैयार होने वाला है संजय दत्त का, उसकी अभी कोई भनक बाहर नहीं आई है। बट लोकेश कनगराज का कहना है जिस तरीके से आपने KGF 2 में एक नया अवतार देखा संजय दत्त का, उससे भयंकर आपको दिखाने वाला हूं। यानी कि भाई साहब डाई हार्ड फैंस के चूतड़ों के परखच्चे उड़ने वाले हैं। और भाई जिस तरीके से लोकल जगह का यूज करके इन्होंने शूटिंग तैयार की है, मजा ही आ गया भाई। दिखाओ हमें शूटिंग तुम कश्मीर की और हरिद्वार की, नहीं जाना हमें डिज्नीलैंड। तेरा पप्पा पहले तो सस्पेंडेड अंडा है बावड़ी गेंद चालू से फेर आऊंगा।